केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से हूँ। तो अभी जैसे आप अपने गन्ने की बुआई कर रहे हैं इस टाइम पे, ये एचपीएम कंपनी ने ये आपने गन्ने में जो मुख्य तीन कीड़े लगते हैं जैसे दीमक, सफ़ेद गिंडार और कंसवा, उसके लिए ये जो दवाई आप देख रहे हैं ये एचपीएम कंपनी की देवसेना नाम की जो है दवाई निकाली है। तो इसको लगाने का तरीका ये है, जैसे अभी आप गन्ने की बुआई करेंगे तो बुआई में है इसकी मात्रा आपको एक एकड़ खेत में 125 ग्राम रखनी है, ठीक है ना। लगाने का इसका तरीका ये है कि आप आधा लीटर पानी लेंगे और उसमें ये 125 ग्राम देवसेना अच्छी तरीके से घोल लेंगे, उसका पेस्ट बन जाएगा। जो पेस्ट बन जाएगा उस पेस्ट को डीएपी का जो कट्टा है ना उसके ऊपर डाल के ऐसे ऐसे मिक्स करके जो है मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा आप मिक्स करोगे उतना ही अच्छा जो है दवाई का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद चाहे तो आप इस अपने खेत में इसमें बिखेर देना, या बिखेरो भी ना तो कूड़ में ऐसे ऐसे करके डाल देना। तो जिस टाइम 15 से 20 दिन बाद आपके गन्ने का जर्मिनेशन होगा तो उसी टाइम देवसेना लगाने का आपको पहला फायदा नजर आ जाएगा, क्योंकि जिसमें भी ये देवसेना लगा हुआ है उसमें दीमक की वजह से जो जर्मिनेशन कम आता है ना वो जर्मिनेशन पूरा आएगा, पहला फायदा। दूसरा बड़ा फायदा है कि जब अप्रैल और मई में जो कंसवा लगता है वो कंसवा नहीं लगेगा जिसमें सफ़ेद गिंडार होती है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा देवसेना का ये है कि आपके जुलाई और अगस्त के महीने में जो ये गन्ना आपका सूखने लगता है ना, वो गन्ना सूखेगा नहीं, ठीक है। तो ये दवाई एक है, फायदे तीन है, ठीक है। चलो